भाई बहुत सारे लोग आए हुए हैं, मतलब ये सब पेरेंट्स वगैरह ही होंगे, अब ये वेट करेंगे, सारे ऐसे ही धूप में खड़े हुए हैं, तो ये 3-4 घंटे बाद एग्जाम दे ही नहीं पाएंगे ढंग से। भाई यहाँ पे हो रहा था मेरा पेपर, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी और बहुत लोग आए हुए थे। ऑलराइट भाई, पूरा तैयार हो गए हैं, मेरी 7:50 की बस है तो चलते हैं साथ। अभी तो 6:50 हो गए हैं, 1 घंटा पड़ा है तो चलते हैं अभी। और मेरे घर वाले भाई चारों लोग जा रहे हैं साथ में, जैसे पता नहीं क्या हो गया, मम्मी पापा एंड मेरी ना आने की बस हो नहीं रही है, तो शायद से मेरे को वहीं पे रात को रुकना पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है, मैं तो अपना 99% ट्राई करूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी आऊँ। अपना पापा के सामने थोड़ा कम ब्लॉग बनाऊँगा क्योंकि पापा बहुत गुस्से में क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ। भाई खुशबू आया हमारे साथ, गंदा पिंपल दिख गया और मम्मी है, मेरे को छोड़ने आ गए ये लोग, बताओ। और भाई तीनों छोड़ने तो ऐसे आगे जा रहे हैं, मैं कनाडा जा रहा हूँ। भाई ये मेरी ये येलो वाली बस है यार, वो व्हाइट वाली होती तो और मजा आता। मर्सिडीज की बस है वो, मर्सिडीज की। भाई एक बार आउटफिट चेक करो, टी शर्ट और पैंट और इतनी ज़्यादा जेब कार्गो वगैरह ऊपर दिखाओ, बन रही है कितनी ज़्यादा। और भाई उधर जाके वो लोग बोलेंगे कि इतनी जेब वाली पैंट क्यों पहन के आ गए तुम, पेपर देने आ रहे हो या घूमने आ रहे हो, चल दे यार। भाई घर वालों ने ये दिला दिया मेरे को। ऑलराइट भाई मैं पहुंच गया हूं, ये आदेश यूनिवर्सिटी है, इसके ऑपोजिट में मेरा पेपर होएगा, इस तरफ कहीं पे होएगा। तो यार मैं पहुंच तो गया हूं लेकिन मेरे को भी सेंटर नहीं मिल रहा है, मैं वही ढूंढ रहा हूं। यहां पे बहुत सारे बच्चे हैं, वो बैग्स वगैरह लेके घूम रहे हैं ना मेरी तरह, तो मैं उन्हीं को फॉलो कर रहा हूं, देखते हैं। बहुत ज़्यादा गंदी धूप है भाई। तो भाई मैंने ना 5-6 घंटे से अपनी सुसु रोकी हुई थी और मैंने यहाँ पे उतरते ही बनाना शेक पी लिया 40 का, और इतना वाहियात बनाना शेक भाई, मेरे को कोई फ्री में भी पिलाए ना, फ्री में क्या, मेरे को 100 रुपये देता ना कोई, तब भी ना पीता, इतना गंदा बनाना शेक भाई, पूरा मूड अलग ख़राब कर दिया। और सुसु और आ रही है। तो भाई मैं पहुँच तो गया हूँ लेकिन अब मेरा 2.5 घंटे बाद मेरा रिपोर्टिंग टाइम है, उसके भी 1 घंटे बाद पेपर होएगा। तो इस धूप में मैं तो यही सोच रहा था कि भाई मेरी तो बैंड बजने वाली है इतनी ज़्यादा धूप में। बाहर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे, धूप में ही बैठे हुए हैं बेचारे, तो मेरे को लगा था कि मेरे को भी उनके साथ बैठना पड़ेगा, बट गेस वॉट मुझे क्या मिल गया भाई, यहाँ पे तो सागर रत्ना भी है और बर्गर किंग भी है। देखता हूँ बस जाके, थोड़े बहुत पैसे पड़े हैं, एक बर्गर करवा लूँगा और 2 घंटे वहीं पर बैठूँगा। और सबसे खुशी की बात भाई, सुसु के लिए जगह मिल गई भाई, बेस्ट। गाइज आई नीड योर हेल्प, जल्दी बताओ सागर रत्ना में छोले भटूरे खाऊं या फिर उधर बर्गर किंग है वहां बर्गर खाऊं। पेपर देने आ रहे हैं, मस्ती मारेंगे रेस्टोरेंट भाई। मैंने करा लिया परांठे। तो भाई ये कुछ ऐसा दिखता है रेस्टोरेंट, यही मैं ऊपर हूँ वॉशरूम के लिए आया था, और नीचे भी सेम ऐसा ही है। ऑलरेडी गाइस ऑलमोस्ट 1/2 घंटा तो मैंने निकाल लिया है पनीर परांठे और दही ये सब खा के। अब मैं जा रहा हूँ बर्गर किंग में, वो तुम्हें दिख रहा होगा बर्गर किंग, देखते हैं क्या क्या है उधर। भाई मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, अगर तुम स्टूडेंट हो, यही गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो भाई उन बच्चों की तरह मत करो भाई, वो 12 बजे आ रखे हैं, पेपर 4 बजे शुरू होएगा। तो भाई मैंने देखा उन लोगों को, वो अभी 12 बजे आके बैठे हुए हैं, किसी ने अपने सर पे बैग रखा हुआ है ताकि धूप ना लगे, कोई ऐसी नीचे बैठा हुआ है। तो यार तुम खुद बताओ, अगर तुम 3-4 घंटे ऐसे बैठे रहोगे तो क्या
तुम जब पेपर देने जाओगे तो तुम अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ एग्ज़ाम दे पाओगे, है ना। तो यार ये 3-4 घंटे पहले आने वाली है, सिस्टम हटा दो, 1-1.5 घंटा पहले आओ। मैं तो इसलिए आया क्योंकि मेरे को बस नहीं मिल रही थी, बट फिर भी मैंने मैनेज कर लिया, इधर उधर जा रहा हूँ। बाकी स्टूडेंट तो वहाँ पे 50-100 बच्चे हैं, सारे ऐसे ही धूप में खड़े हुए हैं, तो ये 3-4 घंटे बाद एग्ज़ाम दे ही नहीं पाएंगे ढंग से। बट तुम्हें मैं बता रहा हूँ, अगर तुम एग्ज़ाम तुम्हारा है कभी, तो प्लीज़ ऐसा करना कि तुम एग्ज़ाम सेंटर में 1-1.5 घंटे पहले पहुँच जाओ, उतना बहुत है, इतना वेट बहुत है भाई। इधर तो बहुत कुछ है भाई, डोमिनोज आगे भी और है, ये देखो टॉमी का ब्रांड, ये कैल्विन क्लेन। सोच रहा हूँ कैल्विन क्लेन से शॉपिंग कर ही लूँ आज भाई। अपने भाई का भी ब्रांड है भाई यहाँ पे, तो भाई का ब्रांड। भाई मैं काफ़ी मस्त जगह पे आ गया हूँ, ये तो भाई पंचकुला में भी नहीं है अपने। मैं ना इधर, ये फैक्ट्री आउटलेट है एंड यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज है भाई, आराम से 50 से ऊपर फैक्ट्री हैं, मतलब 50 से ऊपर ब्रांड्स के स्टोर्स हैं, जैसे ये स्केचर्स, रेड टेप, एडिडास, नाइकी, बीइंग ह्यूमन, बहुत सारे ब्रांड्स हैं भाई यहाँ पे। मतलब तुम्हें अगर शॉपिंग करनी है तो तुम यहाँ पे आ जाओ, तुम्हें जूते, कपड़े, सब चीज़, हर चीज़ मिल जाएगी, इतना मैं श्योर हूँ। यहाँ पे शाम को बहुत भीड़ होती होगी क्योंकि बहुत मस्त जगह है ये, बहुत अच्छी जगह है ये। ये देखो तुम्हें ये जो लाइन दिख रही है ना पूरी, ये पूरी लाइन में देख लो कितने सारे स्टोर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आराम से 10-15 स्टोर्स हैं, और ऐसे ये पूरी लाइन में, ये पूरी लाइन में 30 स्टोर ऐसे ही, और ऐसे 3-4 गलियां हैं भाई। मस्त बात तो ये है कि मेन हाईवे के साइड में है ये चीज़, मतलब मैं हाईवे पे उतरा था उसके साइड में है ये फैक्ट्री आउटलेट पूरा। आई थिंक बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये चीज़ है यहाँ पे भाई। यार अब मेरे को ना मस्ती रिग्रेट हो रहा है कि मैंने क्यों खा लिया, क्योंकि अब मेरे सामने इतने मस्त मस्त रेस्टोरेंट्स हैं, अंकल जैक्स है, इधर टिम हॉर्टन्स है, ओलिवर ब्राउन तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, अरे भी है चॉकलेट कॉफ़ी बीन, अबे यार देखूं क्या जाके। तो भाई मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर में अपना सेंटर भी दिखाऊंगा, उधर कितने बच्चे हैं सब दिखाऊंगा, बस थोड़ी देर वेट कर लो, अभी बस चल रहे हैं, थोड़ी 1 घंटे में मेरा उधर है टाइम, तब चलेंगे, अच्छे से सेंटर दिखाऊंगा, बच्चे को दिखाऊंगा, ठीक है। मेरे को बस गाइस इतने सारे लोग आए हैं भाई पेपर देने, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, मतलब ये सब पेरेंट्स वगैरह ही होंगे, अभी वेट करेंगे। ओ भाई भाई मेरे फ़ोन में ना ज़्यादा चार्ज नहीं है, 10-12% है, तो मैं थोड़ा बहुत दिखा के फिर मैं फ़ोन रख दूँगा, ठीक है। रेड गाइस भाई पेपर तो हो गया, अब चलते हैं भाई, बस आ रही है, बस मैंने बुक तो नहीं कराई बट मैंने बात बात कर ली है, अब देखता हूँ बस मैं बस बैठ जाऊँ जैसे तैसे, फिर घर चलते हैं, बस बहुत थक गया हूँ भाई। एंड सेंटर वगैरह की बात करें तो भाई ठीक था, लेकिन भाई बहुत थकावट सी बहुत होगी, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत थी और मेरे ऊपर पंखा भी नहीं था भाई, बहुत हड़बड़ होती है भाई। यहाँ पे हो रहा था मेरा पेपर, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी और बहुत लोग आए हुए थे, बच्चे मतलब बहुत सारे।